Good morning, students. In our last class, we have completed chapter number 6, Lines and Angles. Today, we are going to start chapter number 7, Triangles. Okay, so let's start with the introduction of this chapter. Students, the name of the chapter is Triangles. So, what is a triangle? You all know triangle is a closed figure formed by three line segments. ठीक है, ये हम सभी को पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइड से मिलकर बनने वाला फिगर. ठीक है, लेट सपोज मैं ये बना रही हूं, तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, इन तीनों से मिलकर एक फिगर बन गया जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल्स में बेसिकली स्टूडेंट्स ए बी बी सी एंड ए सी, ये जो है इसे साइड कहा जाता है. ठीक है, दिस ए बी बी सी एंड ए सी, ये आप सबको पता है. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसे एंगल्स कहते हैं. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना दो लाइन सेगमेंट के, इसे बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, तो ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है और सी एक वर्टेक्स है. सो देर आर थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, ये तो हम सबको पता है. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की. ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स बेसिकली सिक्स एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, सिक्स एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, साइड्स और एंगल्स. ठीक है, थ्री साइड्स होती है और थ्री एंगल्स होते हैं. तो साइड्स की अगर हम इसमें नेम की बात करें तो क्या क्या नेम आ जाएंगे, ए बी बी सी एंड ए सी, दीज थ्री आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, दीज थ्री आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक, ये हम सब जानते हैं. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल. टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल को स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक तो बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स के तीन टाइप्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन एंगल्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो एक एक करके हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में फर्स्ट कैटेगरी में लिख रही हूं बेस्ड ऑन साइड्स. बेस्ड ऑन साइड्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? Equilateral triangle is a triangle in which all sides are equal. ठीक है, ऐसा triangle जिसके सारे sides आपस में equal हो. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ PQ is equal to QR equal to PR. अगर ये condition है, तीनों sides आपस में equal है, तो वो triangle equilateral triangle होगा. ठीक, second is isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होगा? A triangle having two sides equal. अगर कोई भी दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है तो वो isosceles ट्रायंगल होता है. तो हम यहां लिख सकते हैं PQ is equal to PR. अब जरूरी नहीं है ये दोनों हो, ये दोनों भी हो सकती है तब भी isosceles होगा. तो ट्रायंगल की तीन साइड में से अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो हम उसे isosceles ट्रायंगल कहते हैं. द थर्ड वन इज स्केलिन. स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में अलग अलग हो. ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है. तो PQ, QR और PR आपस में इक्वल नहीं है. तो PQ इज नॉट इक्वल टू QR इज नॉट इक्वल टू PR. दिस इज द कंडीशन फॉर स्केलिन ट्रायंगल. ठीक, तो साइड्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स तीन कैटेगरी में हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन एंगल्स, बी पार्ट इज बेस्ड ऑन एंगल्स. एंगल के बेसिस पे स्टूडेंट्स द फर्स्ट कैटेगरी इज एक्यूट ट्रायंगल. अब एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ये आप सब पढ़ के आए हो. एक्यूट लास्ट वाले चैप्टर में हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था. ठीक है, तो ऐसा हम बोलते थे कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट ट्रायंगल होते हैं. ठीक है, तो हम एक्यूट एंगल होते हैं. तो एक्यूट ट्रायंगल भी यही होता है स्टूडेंट्स, जब सारे एंगल एक्यूट एंगल हो. मतलब सारे एंगल, फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो
एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक। द सेकंड वन इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं उसका हमें नहीं पता, बस हमें यह पता है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसे कहते हैं राइट ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, जिसमें सारे एंगल एक्यूट एंगल है वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। नाउ द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की कंडीशन है स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। देखो एक्यूट ट्रायंगल में तो मैंने बोला था कि तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, राइट में मैंने बोला था कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए, ऑब्ट्यूस में क्या होता है? कोई भी एक एंगल जो 90 से बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल ये 120 डिग्री है, तो ये एक तो 90 से बड़ा हो गया ना, बाकी दो तो 90 से छोटे ही आएंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो भी इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप ये चेक नहीं करोगे कि दो एंगल छोटे हैं, अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो वो पूरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहलाता है, राइट। तो आपको समझ में आया, ये सब आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, बस हमने एक बार ब्रीफ में देख लिया इसे। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, विच इज कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली नाइन्थ क्लास का जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, ठीक है, और ये आप सेवन्थ क्लास में पढ़ के आए हैं पहले कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे दो फिगर, ठीक है, ऐसे दो फिगर जो कि शेप में और साइज में सेम हो एग्जैक्टली, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकती हूं कि जिसके लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। ये आप सेवन्थ क्लास में आपने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है ये चैप्टर का, जिसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब आपको आई थिंक समझ में आता है कि ऐसे दो फिगर जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हों, ठीक है, मतलब अगर एक के ऊपर दूसरे को हम रख दें तो वो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे दो फिगर्स जो कि सेम साइज के हो एंड शेप, दोनों का शेप भी और साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है, सो दैट दे गॉट सुपर इम्पोज विथ ईच अदर। अगर एक के ऊपर दूसरे को रखें तो वो दोनों सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैक, ये मेरे पास सर्कल है, इसका रेडियस है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा एक और सर्कल है जिसका रेडियस अगेन है 2 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल को अगर मैं इस सर्कल के ऊपर रखूंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। आप इसे और एक पेपर में बना के ड्रॉ करके एक के ऊपर एक रख के देख भी सकते हो, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो इन दोनों सर्कल्स को हम बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। अब ये तो सर्कल की बात हुई, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करती हूँ, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ये दूसरा रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस, क्योंकि अगर इसके ऊपर मैं इसे रखूंगी तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का आपको मतलब समझ में आ गया कि ऐसे दो फिगर जो बिल्कुल एक जैसे हो, बोथ आर इन सेम शेप एंड सेम साइज, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हमें स्टूडेंट्स यहां इस चैप्टर में बात करनी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, ठीक है, क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, ठीक, यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास दो फिगर्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं ले रही हूं दो ट्रायंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इन ये दो अलग अलग ट्रायंगल है ए बी सी पी
क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इसके सारे के सारे सिक्स एलिमेंट्स इक्वल हो। देखो इसके सिक्स एलिमेंट्स हैं, सिक्स एलिमेंट्स कौन से, तीन साइड तीन एंगल, इसके भी सिक्स एलिमेंट्स हैं, तीन साइड और तीन एंगल। इफ ऑल द सिक्स एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल द सिक्स एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, वी विल से दैट दे दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब मैंने बोला क्या, मैथमेटिकली हम इसे लिख लेते हैं। अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, ये ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल, अगर ये इक्वल है एंड अब हम साइड्स की बात करते हैं, तो ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है एंड ए सी साइड पी आर साइड के इक्वल है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है स्टूडेंट्स, उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, समझ में आया, तो सारे सिक्स एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो उस केस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब मैथ्स में बेसिकली हम करते क्या है, क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, तो ये प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है कि हमें दो ट्रायंगल दिए हों और हमें उसे कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ करना है तो हम सारे सिक्स एलिमेंट्स उसके सारे सिक्स एलिमेंट से मैच करें। ठीक है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। ठीक है, देर आर सम क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब वो हम क्राइटेरियाज पढ़ते हैं। क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, अगर उस क्राइटेरिया पे वो ट्रायंगल्स फुलफिल हो रहे हैं तो हम बिना मैचिंग करे ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फर्स्ट द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। क्या लिखा हमने, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब एस ए एस क्या होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इफ आई एम हैविंग टू ट्रायंगल्स, देखिए यहां पर एक ट्रायंगल मेरे पास यहां पर है और दूसरा ट्रायंगल यहां पर। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग अगर ये वाली साइड, इफ बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर, दिस ए सी साइड इज इक्वल टू पी आर एंड दिस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, इन दिस केस वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें सारे एंगल्स और सारे साइड्स को मैच करने की जरूरत नहीं है, अगर हम ये देख लें कि किसी भी दो ट्रायंगल की दो साइड, ठीक है, इसकी दो साइड और इसकी दो साइड और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, यहां पर भी इंक्लूडेड है ना, देखो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर ऐसा आपको कहीं पर भी दिखता है स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये साइन क्या है स्टूडेंट्स, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए ये हम सिंबल यूज करते हैं, इक्वल टू इक्वल्स टू के ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर ऑन द बेसिस ऑफ एस ए एस, मतलब साइड फिर एंगल फिर साइड। आपको ये नाम देख के ही स्टूडेंट समझना है कि दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, तो दो साइड है और उसके बीच का एंगल। ठीक है, अब एक और बात स्टूडेंट्स,
देखिए जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा आपको इसी ऑर्डर में देखे, द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। देखो इसी प्रॉपर्टी को मैं अलग वे में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, बट इस टाइम मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो बी सी साइड है वो पी आर के इक्वल है, ये ए सी साइड है ये क्यू आर के इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, देखिए अभी भी तो ये एस एस कॉन्ग्रुएंसी हुई। एस एस कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पर भी यही हो रहा है, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, बट दिस टाइम देखिए यहां पर ये वाला बी सी इस पी आर के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां पर तो ये नीचे वाली बेस लाइन इस बेस लाइन के इक्वल थी और ये साइड वाली के बराबर थी। यहां पर ऐसा नहीं है, ये बी सी साइड इस पी आर के इक्वल है। तो इस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंट तो है। देखो कॉन्ग्रुएंट का मत सिंपल सा मीनिंग है कि एक के ऊपर एक रखो तो वो सुपर इम्पोज हो जाए। तो इसे मैं रोटेट करके रखूंगी ऐसे पलट के तो ये सुपर इम्पोज तो हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है, बट आपको लिखने का तरीका स्टूडेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर तो हमने डायरेक्टली लिख दिया ए बी सी पी क्यू आर के बराबर एक कॉन्ग्रुएंट है। यहां पर आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका अलग है। देखो पहले ट्रायंगल की बात करें तो ए, ठीक है, सी बी, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को आप कैसे भी लिख सकते हो, इट्स योर विश। दूसरे वाले ट्रायंगल को उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए पहले वाले को मैंने लिखा ए सी बी, तो दूसरे वाले ट्रायंगल को क्या लिखेंगे इसमें स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ आना चाहिए। देखिए यहां पर ए यहां पर है तो यहां पर क्या आएगा वो, देखो यहां साइड से देखो, फर्स्ट टू साइड ए सी आ रहा है ना, तो ए सी किसके बराबर है यहां पर, ध्यान से देखिए इस ये ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो पहले क्यू आर आएगा। ठीक है, और अब बचा क्या पी, और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट से मैच कर लीजिए। देखिए ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी मतलब ये बाद वाले दो, ये बी सी किसके इक्वल है आर पी के, देखो आ रहा है क्वेश्चन में आर पी और बी सी इक्वल है, और एंगल सी इस वाले ट्रायंगल में बीच मारा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी एंगल आर बीच मारा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके ए सी बी की जगह पी क्यू आर लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर भी हमने जब देखा था तो इसमें देखो यहां ए सी लाइन था, तो ए सी किसके बराबर था पी आर के, तो ए सी मतलब ये ए सी, तो ये पी आर के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पर बी सी किसके इक्वल था क्यू आर के, तो बी सी कहां आ रहा है लास्ट के दो में, तो यहां पर भी क्यू आर के बराबर आ गया। एंगल सी एंगल आर के, एंगल सी यहां लास्ट में, तो ये एंगल आर भी लास्ट में, तो इनकी करस्पॉन्डिंग पोजिशन भी लिखने में सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए जब हम इसका ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तो हम लिखने का तरीका बदल देंगे। ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल को तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ए सी भी लिख दिया, तो जो इसकी पोजीशन है यहाँ पर ए सी किसके, ए सी के बराबर कौन सी चीज है क्यू आर, तो क्यू आर को ही पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्राइटेरिया विच इज ए एस ए। अभी हमने पढ़ा एस ए एस, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे नहीं सोचना है कि एस और ए तो है तो किसी भी ऑर्डर में लिखूं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। इसको लिखने के तरीके पे ही इसकी डेफिनेशन डिपेंड होती है। एस ए एस में साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे ए एस ए। ठीक है, द सेकेंड क्राइटेरिया इज ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, ए एस ए में पहले एंगल आएगी, फिर इंक्लूडेड साइड आएगा, फिर एंगल आएगा। ठीक है, पहले एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दो ट्रायंगल्स है अगेन मेरे पास, इसका नाम मैं दे देती हूँ ए बी सी और इसका नाम दे देती हूँ पी क्यू आर। ठीक है, अब हमने क्या बात करी है, दो एंगल है उसके बीच की साइड है। दैट मीन्स इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, if angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and this included side, मतलब इन दोनों angles के बीच में जो side आ रही है, ठीक है, वो side इस side के बराबर है, तो on the basis of ASA, we can say that these two triangles are congruent to each other, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ABC किसके equal होगा,
PQR की, ठीक है। यहां पर भी लिखने का तरीका देखो, D किसके इक्वल है, Q के, तो B यहां पर अगर सेंटर पे आ रहा है तो Q भी यहां पर सेंटर पे ही आना चाहिए। एंगल C एंगल R के इक्वल है तो C यहां पे अगर लास्ट में आ रहा है तो यहां पर भी लास्ट में आना चाहिए। BC साइड अगर QR साइड के इक्वल है तो BC यहां पे लास्ट के दो में आ रहा है तो QR भी यहां पे लास्ट के दो में आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ASA congruency criterion. Now the third one is SSS congruency. SSS क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, साइड साइड साइड। दिस इज द इजिएस्ट वन। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड के इक्वल है, तो दैट मीन्स तीनों साइड, इसकी तीनों साइड इसके तीनों साइड के इक्वल है, तो हम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर इसमें ऑर्डर स्टूडेंट चेंज हो जाएगा, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, देखो एक बार सीख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत आता है और आप लिखने में मिस्टेक करते हो। सपोज करो मैं यहां ट्रायंगल ले रही हूं ए बी सी पी क्यू आर, ना नेमिंग तो यही है, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के, ठीक है। इस टाइम मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो हम लिखेंगे क्या। सपोज करो मैंने पहले ए बी सी ही लिखा है, फर्स्ट वाला ट्रायंगल मैंने आपको बताया कि आप कैसे भी लिख सकते हो, दूसरे वाले ट्रायंगल को कैसे लिखोगे। देखो स्टार्टिंग में हमने ए बी लिखा ना, तो ये ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो पहले आप लिखोगे क्यू आर, फिर बचा हुआ पी, वो तो पी लास्ट में ही आएगा। अब आप मैच कर लो, देखो दूसरी साइड है बी सी, लास्ट के दो में आ रही है, तो बी सी किसके बराबर होनी चाहिए, पी आर के, तो देखो पी आर आ रहा है, यस। पी आर और आर पी में कोई चेंज नहीं स्टूडेंट, लिखने का तरीका है तो दो ही चीज, पी आर। नाउ द थर्ड वन इज ए सी, ए सी कहाँ है, पहले और आखिरी में, यहाँ फर्स्ट और लास्ट में, और यहाँ पर ए सी की प्लेस पे क्या आना चाहिए, पी क्यू पी क्यू, ठीक है। तो अगर ऑर्डर, ये इसका पैटर्न अगर चेंज होता है तो आप ऑर्डर चेंज कर लोगे, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्राइटेरिया इज आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर देखो इसमें आप मिस्टेक करते हो, आर एच एस का फुल फॉर्म पहले सीख लो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मतलब अगर दो ट्राइंगल है, अब देखो क्वेश्चन में ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम ही आर एच एस है, तो दैट मीन्स एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही होगा। सपोज करो ये एंगल ट्राइंगल है डी ई एफ और ये है पी क्यू आर, तो एक चीज तो इक्वल हो गई क्योंकि दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टी आ रही थी इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के राइट एंगल तो इक्वल है, इसकी हाइपोटेनियस इसकी हाइपोटेनियस के इक्वल है, हाइपोटेनियस आपको पता है ये वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और कोई भी एक साइड, या तो ये बेस हो सकता है या ये परपेंडिकुलर, कुछ भी ये अगर इसके बराबर है तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये और ये इक्वल है तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इसका क्या बेसिस स्टूडेंट, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल डीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल, देखो यहां लिखा है मैंने डीईएफ, तो यहां पर लिखूंगी मैं पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया, एक राइट ट्रायंगल, एक हाइपोटेनियस, और कोई भी एक साइड, वो साइड ये भी हो सकती है, वो साइड ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये फोर कॉन्ग्रुएंसी तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है सेवेंथ क्लास में, अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये नाइन्थ क्लास में नहीं है, उसका नाम है ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी। देखो ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, पहली बात तो इस ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से आपको ए एस ए में कंफ्यूज नहीं होना है, जो ए एस ए हमने पढ़ी थी सेकंड वाली उसमें दो एंगल थे और इंक्लूडेड साइड थी, पर इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड आएगी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी इज एंगल एंगल साइड,
मतलब कोई भी दो ट्रायंगल के दो एंगल होंगे और नॉन इंक्लूडेड साइड होगी। देखिए समझते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास। तो अगर ये दो एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, ठीक है। इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड दिस साइड, अब इसमें इंक्लूडेड नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, अगर हम ए एस ए की बात करें तो ये दोनों साइड इक्वल होती तो ये ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट दिस टाइम इन दिस प्रॉपर्टी वी विल टेक एनी एनी साइड विच इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसे छोड़ के इन दोनों में से कुछ भी ले लो, ठीक है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। तो ए बी अगर पी क्यू के बराबर है और ये दो एंगल बराबर है तो ए एस से इक्वल होगा, और अगर ये साइड भी इक्वल है तो भी ये ए एस से ही इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। बस यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो एंगल और तीसरी नॉन इंक्लूडेड साइड, मतलब बीच वाली नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, आज हमने ट्रायंगल्स पढ़े, ट्रायंगल्स के टाइप्स देखे, और हमने कॉन्ग्यूरेंट फिगर्स पढ़े, और कॉन्ग्यूरेंसी के फाइव क्राइटेरियाज पढ़े, ठीक है। वो फाइव क्राइटेरियाज क्या थे, एस ए एस, ए एस ए, एस एस एस, आर एच एस एंड द लास्ट वन इज ए एस, ठीक है। ये शुरू की फोर प्रॉपर्टीज का आप एक बार नाम सुन चुके हो सेवेंथ क्लास में, पर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए एस, ये हमने आज पहली बार नाइन्थ क्लास में पढ़ी है, ठीक है। ये इसमें क्या था स्टूडेंट्स, जब दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। इस वाले में क्या था, दो एंगल्स और बीच की साइड इक्वल हो तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसमें क्या था, तीनों साइड अगर किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है तो वो एस 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 से हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। आर एच एस में क्या था, राइट एंगल था वो तो 90-90 बराबर हो गई, उसकी हाइपोटेनियस, दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड, ठीक है, बची हुई बेस और परपेंडिकुलर बचती है तो वो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इक्वल है दोनों की तो वो दोनों आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और लास्ट है ए ए एस, जिसमें दो एंगल्स थे और एक नॉन इंक्लूडेड साइड थी, इंक्लूडेड साइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फाइव क्राइटेरियाज हमने पढ़े। अब एक और चीज स्टूडेंट्स जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है, उसका नाम है, देखो अगर दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट बोल दिए तो देखो अभी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया था कि एक ट्रायंगल के सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या सीखा कि जब तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो और तीनों साइड के बराबर हो, मतलब सिक्स चीजें होंगी, ठीक है। पर अब जो हमने ये स्टूडेंट्स क्राइटेरिया पढ़े इसमें आप देखोगे सिर्फ तीन चीजों की बात कर रहे हैं हम, अगर इसकी भी देखो तो दो साइड और एक एंगल तो तीन ही चीज हुई, यहां पर भी तीन, इन सभी में सिर्फ तीन एलिमेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो बचे हुए तीन एलिमेंट्स का क्या हुआ, उसमें क्या होता है कि अगर हम इन पांचों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी का यूज करके कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वी कैन से दैट द अदर टू साइड्स अदर एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। अब क्या बोला मैंने एक बार समझ लेते हैं, इसका नाम है सीपीसीटी। सबसे पहले बहुत यूज होता है इसका कॉन्ग्रुएंसी में, सीपीसीटी का पहले फुल फॉर्म सीख लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको एक एग्जांपल से समझते, देखो लेट सपोज कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए स्टूडेंट्स, साइड एंगल इंक्लूडेड एंगल एंड साइड एस ए एस। हमें ये तो पता है कि ये एस ए एस से हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है, बाय एस ए एस, एस ए एस से हमने ये बोल दिया कॉन्ग्रुएंट। बट वॉट अबाउट द साइड्स एंड एंगल्स विच आर नॉट इन दिस, नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रॉपर्टी,
ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टी में तो हमने सिर्फ इसी साइड की, इसी एंगल की और इसी साइड की बात करी, और इस ट्रायंगल में भी सिर्फ इसी साइड, इसी एंगल और इसी ट्रायंगल की बात, इसी साइड की बात करी। बट वॉट अबाउट दिस एंगल, इन एंगल्स का क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसकी हमने बात ही नहीं करी है, ये वाला और ये वाला, ये जो तीन बच गए इनका क्या होगा? इनका ये होगा कि अगर ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बचे हुए भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। कैसे, क्या बचा था यहाँ पे, एंगल ए, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ये मैंने वो लिखे हैं जिनकी बात हमने कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पर नहीं करी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में हमने सिर्फ इस साइड, इस एंगल और इस साइड की बात करी है, इसकी बची हुई ये दो दो एंगल और एक साइड, ठीक है, तो ये दोनों साइड, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है यहां पर, पी, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा है, आर, और इस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी आर। तो ये तीनों भी सीपी सीटी से बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ही ये बोलती है कि सारे एंगल सारी साइड बराबर हो, पर उस वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए ही हमने क्राइटेरिया पढ़े थे कि सारे एंगल सारे साइड को मैच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पांच क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने बोल तो दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, पर बचे हुए जो साइड और बचे हुए एंगल्स हो गए वो भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे, ठीक है, याद रखना करस्पॉन्डिंगली ही इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है कि ए और आर बराबर हो जाएगा, नो, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ही देखना है, यहां पर अगर ए है तो यहां पर पी ही होना चाहिए, और यहां पर अगर सी है तो यहां पर आर ही होना चाहिए, वही चीजें आपस में इक्वल होगी, ठीक है। इसको हम और डिटेल में स्टूडेंट जब क्वेश्चन करेंगे तो हम और समझते जाएंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीसीटी आपको पता होना चाहिए कि सीपीसीटी का मतलब क्या है, कि अगर दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो बची हुई साइड बचे हुए एंगल्स वो भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.1, 7.1 का। अब हम नेक्स्ट क्लास से 7.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।